जैसे कि घुमक्कड़ कपिल थक चुके हैं साइबर सिटी घूमने के बाद। कोई भी सेलिब्रिटी मिल सकता है, ठीक है, एलवी चार मिल सकते हैं, अज्जू भाई मिल सकते हैं, मतलब सेलिब्रिटी तो यहाँ पे रहते ही रहते हैं। आप लोग देखो तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ कपिल में आपका स्वागत है गाइस। तो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ गाइस बहुत ज़्यादा मस्त मजे में होंगे। तो गाइस आज हम लोग आए हैं साइबर हब में, तो जो कि आप लोग देख ही रहे हो भाई, साइबर हब में आए हैं तो यहाँ का तो व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मतलब आप एक बार 360 करके देख लीजिए। तो आज यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ घूमने वाले हैं भाई साइबर हब में। कहाँ कहाँ तुम घूम सकते हो और फूड कोर्ट एरिया कहाँ पर है, क्या कुछ खाने को मिलेगा आपको यहाँ पे, और कहाँ कहाँ आप इंजॉय कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने घर वालों के साथ। मतलब बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो देखते हैं घुमक्कड़ कपिल मज़ेदार होने वाली है। अभी हूँ मैं भाई गुड़गांव में एमएंस मॉल के जस्ट सामने, तो भाई एमएंस मॉल को दिखा रहा हूँ। जाना है साइबर सिटी, साइबर सिटी हब ना, ये साइबर सिटी हब, साइबर सिटी हब जाना है भाई। तो आप लोगों को साइबर सिटी हब घुमाते हैं पूरा, मतलब किस तरीके का, मतलब क्या लुक आने वाला है। एलविश भाई और ये अच्चू भाई घूमते रहते हैं, ये सब लोग इधर भाई, सब लोग आते हैं इधर, एलविश यादव वगैरह, मतलब जितने भी मतलब सब बढ़िया पॉपुलर लोग है ना वो सब इधर आते हैं, तो वो सब आपको घुमाते हैं आज भाई। तो देखते रहिए घुमक्कड़ कपिल। साइबर सिटी हब में ना एंट्री करते हैं, सिटी के अंदर एंट्री कर रहे हैं और कपिल को जैसे कि अपने कुछ नाश्ता करना था हल्दीराम में, सब जाके तो भाई उधर चलते हैं। और तो भाई हम यहाँ पर आज क्या क्या घूमने वाले, मतलब साइबर सिटी में क्या क्या घूमने के लिए है, मतलब सब कुछ दिखाएंगे यार। आज हम लोग कहते हैं टे मॉर्टन चलते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी खुला है, कनाडा के बाद यहाँ पे ब्रांच एक ओपन हुई है, ठीक है। उसके बाद टे मॉर्टन के बाद फिर हम देखते हैं आगे अंदर क्या क्या उसमें क्लब और सब चीज़ें, तो उधर घूमते हैं। बाकी हम लोग साइबर सिटी घूम ही रहे हैं, तो ये रहा साइबर सिटी सामने। तो भाई ये रहा साइबर सिटी सामने की तरफ जो आप देख रहे हो ना, पूरा पूरी एंट्री कर रहे हैं वो पूरी, आपको तो लग रहा होगा दुबई जैसा ये पूरा भाई, ये साइबर सिटी हब है पूरा। बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे मजा आने वाला है तो आज की वीडियो में। तो गाइस वीडियो को स्किप ना करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए घुमक्कड़ भाई। देखो ये व्यू है, मतलब घुसते ही ये व्यू है साइबर सिटी हब में, क्यों भैया। तो भाई अभी हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, तो भाई बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब भाई मैं वैसे आगरा का हूँ, तो आगरा में रहता हूँ, तो मतलब कभी कभार आना होता है, तो भाई ऐसी जगह देखिए मतलब मन खुश होता है भाई। तो कुछ लोग बाहर से आने वाले जो घूमने वाले गुड़गांव में, तो भाई ये जगह जरूर घूमनी चाहिए ना भैया। बिल्कुल घूमनी चाहिए, बिल्कुल भाई। आपको अभी कोई भी सेलिब्रिटी मिल सकता है, ठीक है, एलवी चार मिल सकते हैं, अज्जू भाई मिल सकते हैं, अपने है ना कोई भी मिल सकता है यहाँ पे। तो हर बार घूमते रहते हैं, अभी हमें कर्मा मिला था, ठीक है, मतलब सेलिब्रिटी तो यहाँ पे रहते ही रहते हैं। आप लोग देखो, वॉच ऑन करो, देखो भाई, भाई मजा आ रहा है भाई। मतलब सिटी है यार बढ़िया, मतलब गुड़गांव यार, मतलब दिल्ली और नोएडा के मुकाबले मतलब यार ये मुझे गुड़गांव, क्योंकि मतलब सेट है यार, कॉर्पोरेट सेक्टर है, हाँ है, मस्त है, मतलब खुला खुला एरिया पूरा, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और मतलब ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है, नहीं ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जीरो जब जाते समय इधर जो सबसे मेन बात ये है, यहाँ पे कैमेलिया मंगोलिया जो सोसाइटीज है, ठीक है, उसमें करीब 35 से 50 हजार पर स्क्वायर फीट का रेट होता है। तो जो भी फ्लैट होते हैं ना उधर 70-80 करोड़ के होते हैं। अब आप देख रहे हो उसमें 70-80 करोड़ में कौन रह रहा है। तो अभी यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज रह रहे हैं जिनके हम नाम मेन मेन जानते हैं, जैसे अश्विनी ग्रोवर है ना, भारत पे के मर्चेंट, बिल्कुल सीईओ है ना, हेड। और बाकी आपका ओयो टाउन और उसके कहते हैं ये जो उसके ओनर में तो पीयूष करके है ना, तो वो भी यहाँ पे कैमेलिया मंगोलिया में रहते हैं। तो उनकी भी हम सोसाइटी आपको दिखाते हैं आगे बढ़ के। और जैसे कि हम यहाँ से अभी यहाँ से हम नीचे अंडरपास लेंगे है ना, तो काफ़ी लंबा अंडरपास है ये वाला, और इस अंडरपास में किधर अंडरपास ये वाला पड़ेगा ना, हाँ करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का अंडरपास पड़ेगा, 1.5 से 2 किलोमीटर का अंडरपास पड़ेगा भाई। हम जाते रहे जिसमें हम जा रहे हैं, देखो ये वाला सेट है ना भाई, अभी बस एंट्री हो रही है, बस ये हमारी अभी एंट्री होने वाली है अंडरपास में। तो ये देखिए भाई सीन दिखाऊंगा तो मैं भाई सेट, मतलब आराम से घर बैठ के मतलब देख लो भाई। गुड़गांव का भी मतलब भाई लोग डालते होंगे व्लॉग वगैरह, पर ये डालना बहुत जरूरी है। देख रहे हो भाई सेट है सीन, ये देखो सॉलिड आ रहा है, सॉलिड 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 है ना। और भाई व्लॉग में क्या व्यू ही चाहिए, और जो व्यू है ना भाई बहुत मजेदार यार, देख रहे हो क्या चाहिए यार। जैसे आप देख ही रहे हैं सब कितना लंबा है। बहुत लंबा भाई, बहुत लंबा टनल है जो कि गुड़गांव में साइबर सिटी हब के पास है। थोड़ा पता है कपिल अपने ऑनवर्ड जगह जाता है। कपिल को मैंने अपने नए घर में शिफ्ट हुआ हूं, तो कपिल को वाले एरिया के बारे में नहीं पता। तो साइबर सिटी तो ये पूरा इस तरफ मुझे भाई पूरा मतलब घुमा रहे हैं। बढ़िया भाई, मौसम इतना टॉप का हो रहा है। मतलब भैया बारिश कब से पड़ रही है यहाँ पे? बारिश तो देखो अभी क्या हुआ, आसपास के क्षेत्र में बारिश थोड़ी पड़ी रही है। हाँ, पर यहाँ पर थोड़ी कम पड़ी है ना। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी कम पड़ी है, मगर यहाँ के जो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ठंडक आ गई है। ठंडक इतनी आ गई कि भाई एसी चल रहा है, 1.2 चल रहा है, पर एकदम चिल्ड कर दी गाड़ी। और भाई धूप भी नहीं है, मतलब मौसम बहुत साफ क्लियर हो रहा है, देख रहे हो। मतलब बहुत मजा आ रहा है, मतलब घूमने में भी। मतलब ऐसा होता है ना, गर्मी के मौसम में क्या है, मतलब गर्मी लग रही है, ये लग रहा है, पर गाड़ी में से उतर रहे हो तो उतरने का मन नहीं कर रहा। पर अब ये है कि भाई ऐसा मौसम है, गाड़ी से उतर के तुम आराम से घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मतलब गर्मी नहीं लगेगी। तो मौसम एकदम चिल्ड है भाई। भाई मतलब उस तरफ तो नोएडा वोएडा में तो काफी बारिश पड़ी थी, अभी कल शायद है ना, कल वाली पड़ी थी। तो यहाँ पे ठंडा मौसम है, तो चलते भाई। ये है बिल्डिंग, वो वाली भैया कौन सी वाली बताइए? कैमेलिया मंगोलिया थे, ये वाली कैमेलिया मंगोलिया थे, जहाँ पर अश्विनी ग्रोवर रहते हैं ना, और जो कि शार्क टैंक में आए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ओयो के टाउन हाउस के जो ओयो जिनका है, उनके भी ओनर इसमें ही रहते हैं, है ना। तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं इसमें, काफ़ी सेलिब्रिटीज़। ये तो बहुत कहते हैं, बहुत बड़ी सोसाइटीज़ है भाई। ये वाली है ना? हाँ, ये वाली वाइट वाली, वो भी गोल्फ लिंक है, वो गोल्फ लिंक है। हाँ। तो भाई इसमें देखो भाई, इसमें सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, जो कि सेलिब्रिटीज मजे लेते हैं भाई। हाँ। यहाँ पे एक फ्लैट भी 70-70 करोड़ का है। 70-70 करोड़ का एक फ्लैट है भाई, एक फ्लैट 70 करोड़ का। तो भाई देख रहे हो, मतलब होगा भाई, बिल्कुल होगा भाई। रोड ऑन रोड नहीं देख रहे, रोड देख लो भाई। ये गोल्फ लिंक्स भाई, सुंदर भी बहुत है यार बिल्डिंग। तो इसके अंदर सेलिब्रिटीज रहते हैं, और सारी बिल्डिंग बहुत बड़े-बड़े फ्लैट हैं। और जैसे आप ये वाली देख रहे हो भाई, ये हमने कौन सी कार देखी भाई? BMW इलेक्ट्रिक है। हाँ भाई, सॉलिड है यार। वो भी आज हमने पहली बार देखी, जिसका नाम है 1X। हाँ, 1X X Drive 40। ये कम से करोड़ से ऊपर जाती होगी, पूरी इलेक्ट्रिक है, करोड़ से ऊपर होगी ना। हाँ, आप उसके डोर हैंडल देख रहे होगे, बिल्कुल अलग दिख भाई, अलग है, सिस्टम अलग है गाड़ी का। चलो ये अच्छा हुआ चलते चलते, गुड़गांव में ये बात है, गुड़गांव में तो आपको एक से गाड़ी मिलने वाली है यार यहाँ पे। हाँ, मतलब बढ़िया, जैसे थोड़ी रही है और कोई भी हो सकता है इसमें। हाँ, और क्या, कोई पता नहीं भाई कौन है इसमें। और जो सामने से भी जो गाड़ी आ रही है, वो भी एकदम मतलब लग्जरी गाड़ी आ रही है, मतलब ये देख रहे हो BMW। तो भाई यहाँ पर तो मतलब ये नॉर्मल है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये गई BMW। तो भाई चारों तरफ मतलब आँखों को सुकून है, मतलब आंखों से देखोगे तो हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, और सुनहरा मौसम में। इलेक्ट्रिक कार है भाई, ये कौन सी है भाई? ये है पोर्शे की टाइकॉन भाई। भी थोड़ी सी स्पीड में लेना, ये स्पीड इसकी पकड़नी भाई। ये सही बात है, स्पीड नहीं पकड़ने वाली है इस गाड़ी की, पर जो है स्पीड भाई आपने कभी आज तक नहीं देखी होगी कहीं पर भी भाई, ये नहीं देखी होगी कहीं पर भी। इलेक्ट्रिक होगी, इलेक्ट्रिक प्यारी कितनी लग रही है यार भाई, मतलब विदेश में है हम लोग यार, देख रहे हो भाई। भाई ये आ रही है थम्स अप भाई, बहुत ज्यादा चिल्ड। मतलब हमने एक छोटी सी दुकान पर रोकी थी, हमने सोचा नहीं था कि हमें इतनी ठंडी मिल जाएगी, पर भाई एकदम चिल्ड है, मतलब मौसम के हिसाब से भाई थम्स अप। तो भाई मौसम और माहौल देख लो, थम्स अप भाई माहौल ही बदल देती है। तो भाई अभी ये पीने वाले तो एक सिवा भाई की है। थैंक यू भाई, एक मेरी है, तो इसे खोलते हैं, ठीक है भाई। अब टेस्ट द ठंडा थम्स अप। तो गाइस आगे चलते हैं, देखते हैं साइबर सिटी में क्या माहौल होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखो भाई ये है अपना, ये आ गए हम साइबर सिटी के अंदर है भाई। देख रहे हो भाई, सीन देख लो भाई, पूरा सीन दिखाऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से, देख लो आप साइबर सिटी के अंदर ही है भाई। ये है अपनी साइबर सिटी, ये देखो भाई सारे ऐड चल रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब पेड एड्स चल रहे हैं सारे। ये सिस्टम है स्मोकिंग एरिया भाई, यहाँ पे आके अपना स्मोक कर सकते हो, जो भी किसी तरीके से कर रहा हूँ। कार चार्जिंग स्टेशन है भाई, यहाँ पर कार चार्ज होती है, जो बैटरी वाली कार चल रही है ना इलेक्ट्रिक वाली आजकल, तो ये भाई देखो ये चार्ज हो रही है ना, ये देखो ये चार्ज हो रही है यहाँ पे भाई, ये देखो नेक्सॉन है अपनी। तो यहाँ पर पार्क कर दी गाड़ी, तो उतरते हैं गाड़ी में से, ठीक है भाई। तो चलते हैं इस तरफ, घूमते हैं भाई, पूरा आपको दिखाते हैं। देख रहे हो कि मैं साइबर सिटी के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो भी आप लोगों को जितना भी क्राउड दिख रहा है भाई, ये सारा क्राउड ऑफिस वाले बंदे हैं, मतलब ऑफिस से अपना लंच टाइम में इधर घूमते हैं फिरते हैं। और अब तो मतलब सब लोग आ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी आ सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो देख रहे हो तुम, सेट है ना। आप लोग अगर घूमने आना तो भाई साइबर सिटी में कभी भी आओ घूमने। रुकिए कपिल जी, रुकिए। तो गाइस अभी हम लोग टे मॉर्टन के अंदर से आए, कॉफ़ी ट्राई की थी मैंने, जो कि मतलब मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी मुकाबले, मतलब स्टारबक्स के मुकाबले, मतलब बहुत अच्छी कॉफ़ी थी इसकी। कनाडा का ब्रांच है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है और ये इंडिया में पहला गुड़गांव के अंदर ही खुला है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे भाई। मतलब इसकी कॉफ़ी का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि स्टारबक्स से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो देखते रहे घुमक्कड़ कपिल। गाइस आप लोगों ने ये टीवी नहीं देखी क्या? ये टीवी देखी भाई। तो गाइस ये है वो जो टीवी जहाँ पर आईपीएल चलता है और यहाँ पर सब लोग बैठ के मजा लेते हैं आईपीएल का मैच का, भाई सब देखते हैं। और ये मतलब जगह अभी खाली पड़ा हुआ है सारा, और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है और बहुत ज़्यादा मजे आते हैं। अगर कुछ आपको खाना पीना कुछ करना है तो आप इधर भी आके कुछ कर सकते हो, देख सकते हो, बैठ सकते हो। तो भाई ये जगह भी बहुत अच्छी है, अगर यहाँ पे आप आना चाहो तो कभी भी आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, बैठ सकते हो और बहुत मजा ले सकते हो। मेरी तरह से मैं ले रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तो घुमक्कड़ का पहलू, तो आप सब भी घूमिए और सपोर्ट करते रहिए भाई। यहाँ की हवा में भी एक मज़ा है जो कि मतलब मैं ले पा रहा हूँ, और आप लोग आओ हवा का भी मज़ा लो। और कुछ बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, मतलब बता दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। ये डीकैथलोन का वो है स्पोर्ट्स, अगर आप जैसे कोई भी खेलना चाहता है तो उसमें अंदर खेल सकता है, ठीक है। ये आप देख ही रहे होगे सामने, आइए कपिल। ये सोशल है भाई, ये है साइबर हब सोशल, मुझे बहुत ही शानदार था, आपको तो देखने में लग रहा होगा। तो सारा आपको इस तरफ से पूरा दिखाता हूँ। आइए ये देखिए, जो पुराने वाला होता है ना गाँव वाला एरिया, थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश करी गई है यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा साड़ी वाड़ी में थोड़ा सा इस तरीके से लुक दिया गया है, जैसे थोड़ा सा जो गाँव पुराने घर होते हैं ना, थोड़ा सा उस तरीके से दिया है ना। यस बिल्कुल वैसे ही दिया है। आइए तो चलते हो, देखते हैं क्या क्या। ये वाला देखिए आप साइबर हब, ये आपको सरकारी घर देखेगा। बिल्कुल एकदम होते ना जैसे कि सरकारी घर, बिल्कुल सही घर, मतलब एकदम वैसे बिल्कुल एकदम देखिए देखिए, मतलब थोड़े से चौकर मतलब साड़ी वाड़ी टंगी थोड़े से होते हैं, ये मतलब जैसे फ्लैट होते हैं ना, अपने फ्लैट होते हैं, मतलब आसपास उस तरीके से दिखाया गया है। तो जैसे देख पा रहे हो भाई, मैं साइबर सिटी अंदर के साइबर सिटी हब में बहुत अंदर आ चुका हूँ घूमते घूमते। मेरे सामने अभी एक पेस्ट्री की शॉप है, एक बहुत अच्छी सी, और इसके पीछे एक डेल ऑप्टिकल्स है, ऑप्टिकल की शॉप है। तो चलते हैं और आपको फूड कोर्ट दिखा देते हैं, यहाँ का फूड कोर्ट क्या होने वाला है। मतलब जैसे आप आओगे तो खाने पीने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब भाई खाने पीने की जरूरत पड़ती है सबको, तो खाना पीना ज़रूरी भी रहता है। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं फूड कोर्ट की तरफ। तो अभी अपन लोग नाइक के शोरूम पर खड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन में इसका लोगो लगा रखा है नाइक के शोरूम का, बहुत ही मज़ेदार सा है ये भी। तो और चलते हैं अभी आगे की तरफ। आगे की तरफ चलते जा रहे हैं, तो हमें आगे की तरफ और क्या मिलने वाला है तो वो सिवा भाई बताएंगे थोड़ा सा अभी हमें, तो चलते हैं अभी देखते हैं। जैसे कि हम लोग फूड कोर्ट पे जा रहे हैं है ना कपिल, हमें आगे फूड कोर्ट के लिए स्टेयर्स लेनी है या उससे आगे वाला स्टेयर ले लेते हैं ठीक है, और देख के आते हैं। इस जगह के बारे में क्या बोलना चाहूँगा, मतलब ये भाई थोड़ा सा ये स्पेस एरिया मिला ना बहुत ही गजब मिला, मतलब मज़ा मतलब आप लोग अगर घूमने आओगे तो बहुत मज़ा आएगा भाई। मतलब जो रील्स बनाते हैं भाई, जो रील्स बनाने वाले हैं अपने दोस्त हैं, वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, वो सब यहाँ पे आके शॉर्ट्स वीडियो सब कुछ कर सकते हैं भाई। भाई आके अपने अपने कैमरे चालू कर दो भाई, कैमरे ऑन कर दो, फाड़ दो कैमरों को, देख रहे हो भाई रील्स वालों के लिए एकदम लोकेशन है भाई। यहाँ पे आके अपनी भाई वीडियोस बना सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी इस तरह अभी फूड कोर्ट के एरिया में पूरा आ चुके हैं, तो आप लोगों को दिखा देते हैं फूड कोर्ट एरिया। तो चलते रहिए, देखते रहिए घुमक्कड़ कपिल। सारा का सारा देख सकते हो, सारा अपना यहाँ कुछ भी देखिए और बहुत बहुत कुछ खाने को मिलेगा यहाँ पे, आपको कुछ भी खा सकते हो। तो गाइज आपको फूड कोर्ट एरिया बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आप लोगों को भी भाई बहुत पसंद आया तो कमेंट बताना भाई फूड कोर्ट एरिया कैसा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो भाई अब यहाँ का व्यू जो आपको देखने में बहुत शानदार मिलने वाला है, अच्छी दिल मतलब दिल दहला दे, मतलब ऐसी लोकेशन है यहाँ पर रील्स बनानी है तो यहाँ आइए। मतलब बहुत प्यारे क्यों सिवा भाई नहीं है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल भाई। एक देख दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये सारे के सारे ओपन एसी बार हैं, जो कि यहाँ पर आपको फ्रेश बियर मिल सकती है, डांस कर सकते हो, चिल कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ। तो भाई सब में ऑफर चलते रहते हैं, आप ये देख सकते हैं। हाँ। ये देख सकते हो भाई क्वींस नाइट, डीजे अंकित, कोई डीजे अंकित, कोई डीजे पुनीत, कोई कुछ कोई कुछ। तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग घूमते हैं, फिरते हैं, मज़े लेते हैं। तो ये लाइन से सारे के सारे आपको क्लब ही हैं, जितने भी हैं सारे क्लब। कितने क्लब होंगे अराउंड 10 to 15 इस लाइन में, बाकी और भी है, बाकी सब जगह ही फ्रेश बियर मिलती है। हाँ भाई, अगर चिल्ड बियर लेनी है तो भाई अभी ब्लॉग पे ध्यान देते हैं, आप लोगों को सब कुछ दिखाना है तो बियर पी के कैसे काम होगा भाई। तो बियर वो लोग पिए हैं, जो लोग देख रहे हैं वो सब बियर पी सकते हो भाई यहाँ पर आके, मगर यहाँ पर आओ तब बियर पियो, तो फ्रेश बियर है ना यहाँ पे भाई, साइबर सिटी हब। तो गाइज आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं और आप लोगों ने देख ली भी होगी, तो अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत सी चीज़ों का जो मज़ा नहीं लिया है वो ले लेते हैं और दिखाते रहूँगा क्या क्या घूमने के लिए यहाँ पे है। अगर कोई भी भाई मेरा यहाँ पे आ रहा है ना भाई, तो फुल मज़े के साथ घूमे, यहाँ पे आओ भाई। क्राउड भी एक नंबर मिलेगा यहाँ पर, कोई वैसा नहीं मिलेगा, मतलब एक नंबर क्राउड है भाई, एकदम बढ़िया। मतलब भैया सब अच्छे लोग ही आते हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे लोग आते हैं। हाँ। देख रहे हो भाई कितना अच्छा माहौल हो रहा है भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब अभी कुछ और बताना चाहोगे इन लोगों को, मतलब कुछ और यहाँ पे आप ही देखिए कितने अच्छे, मतलब डेको अच्छे तरीके से कर रखा है, सब सिस्टम बहुत अच्छा है कर रखा है। फूड कोर्ट एरिया तो जो था अपना फूड कोर्ट एरिया, वो भाई अपने लोग कुछ खा रहे थे वो सब घूम कर दिखा देना भाई जरा। तो काफी मजे लिए आज मैंने भी और भाई आप लोग भी आइए, सब मजे लिए। जैसे कि घुमक्कड़ कपिल थक चुके हैं साइबर सिटी घूमने के बाद, भाई बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, मतलब थक जाओगे, इसलिए भाई एनर्जी बना के आना, घर से दूध दही कुछ खा के आना, मतलब बढ़िया सिस्टम बना के आना। लिफ्ट में हम एंट्री कर देते हैं, एंट्री पहले लिफ्ट में चलते हैं और नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी दिखाई नहीं है और मैंने भी नहीं देखी थी, तो अभी देखी है तो भाई पहले वो चीज दिखाते हैं। तो चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं घुमक्कड़ कपिल। तो लिफ्ट खुलने का वेट करते हैं और ये गई नीचे की तरफ, अभी खुलने वाला है लिफ्ट का गेट। 1 2 3 कम ऑन। आइए, तो स्वागत है लिफ्ट से बाहर आपको। शायद ये एरिया में आपको नहीं दिखा पाया था पर अब दिखा देता हूँ, आइए आगे तरफ है ना, दिखा नहीं पाया था ना वैसे, और जो भी स्पेशली दिखाना है ना भाई वो युवा नहीं दिखाना है, मतलब थोड़ा सा ये लुक अच्छा नहीं रखा इधर। भाई अंकल जी ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपने, देख लो भाई तो यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा है, मतलब फोटो क्लिक करिए, मतलब रील्स बनाइए, वीडियोस बनाइए, मतलब सब कुछ इतने अच्छे तरीके से कर रखा है भाई, ये सब दिखाते हैं ना। तो गाइज यहाँ पर काफी मजा आया सिवा भाई के साथ, जो कि सारा क्रेडिट इस वीडियो का सिवा भाई को जाएगा भाई, क्योंकि भाई इन्होंने इतनी हेल्प की है मुझे घुमाने में, मतलब भाई मैं अकेला नहीं कर सकता था यहाँ पे, तो इसलिए सिवा भाई आए। तो भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं कर देता यार। भाई बहुत एंजॉय किया सिवा भाई, रियली यार दिल से, मतलब भाई थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए, मतलब भाई इतनी अच्छी जगह तुमने मुझे घुमाया भाई, वाकई में थैंक यू, बहुत मजा आया घूमने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, देखते रहिए घुमक्कड़ कपिल।